हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल को फिंगरप्रिंट लॉक कैसे कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन पर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है तो तब भी आप अपने फ़ोन को अपने फ़ोन कैमरे की मदद से फिंगरप्रिंट लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रियल लॉक होगा। अगर आपके फ़ोन पर फिंगरप्रिंट नहीं है तो ये किसी भी फिंगरप्रिंट से नहीं खुलेगा, आपके उसी फिंगरप्रिंट से खुलेगा जो आपने फिंगरप्रिंट यहाँ पर दिया हो। तो चलिए सबसे पहले अपने मैं इस फ़ोन को अनलॉक कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जैसे मैं अपने फ़ोन को अनलॉक करूँगा तो यहाँ पर मुझसे पूछ जाएगा फिंगरप्रिंट। तो चलिए यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट अपना दे देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना फिंगरप्रिंट देता हूँ। अब देखिए स्कैन होगा और मेरे फ़ोन का लॉक अनलॉक हो जाएगा। अगर आप ये नहीं डालोगे तो आपका फ़ोन का लॉक अनलॉक बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप किसी फिंगर का यूज़ करते हो तो तब भी ये लॉक अनलॉक नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा फिंगरप्रिंट मैच हो चुका है और मेरे फ़ोन का लॉक अनलॉक हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरह का लॉक अपने आप फ़ोन पर कैसे लगा सकते हो पूरी जानकारी आप मैं आज को वीडियो में दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, आप उसको दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होगी। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप उस ऐप को ओपन कर दीजिए। ऐप का नाम है ICE अनलॉक। देखिए दोस्तों, मैं इस ऐप को ओपन कर देता हूँ। ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर टिक कर देना है और नीचे है लेट्स गो, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए और एक कोई अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। अगर आप फिंगरप्रिंट से लॉक ना खोल पाएँ तो आप इस पासवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं डालता हूँ 1234, मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ और उसके बाद दो बार फिर मैं 1234 फिर मैं यहाँ कर दूँ कंटिन्यू। और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह स्वाइप करते जाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस तरह कर दीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है कंटिन्यू टू इनरोल, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। और अब आपको अपने फिंगर सेलेक्ट करना है कि किस फिंगर से आप अपने फ़ोन को लॉक या अनलॉक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट से ये वाला फिंगर ले लेता हूँ। अब उसके बाद आपके सामने कुछ कैमरा इससे ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी फिंगर जो है वो स्कैन करानी होगी। तो इसलिए यहाँ पर मैं अपनी फिंगर को स्कैन करा देता हूँ। फिर नीचे सर्किल दिखाई देना, आपको सभी सर्किल को राइट करना होगा, नहीं तो काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पर मेरे प्रो सर्किल थे वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। नीचे आपको मिल जाएगा यूज द फिंगरप्रिंट, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल जाता है क्विक सेट द डिफॉल्ट होम स्क्रीन टू ICE अनलॉक ऑलवेज, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब देखो दोस्तों, आपके यहाँ पर ICE जो अनलॉक है यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों, आपका लॉकिन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप सिंपली बैक आ जाइए। अब बैक आने के बाद आपको देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं अपने फ़ोन को लॉक करता हूँ और दोबारा से मैं इस फ़ोन को अनलॉक करता हूँ तो यहाँ पर मुझसे फिंगरप्रिंट पूछ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं फ़ोन को अनलॉक कर लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ से मुझे सबसे पहले अपना वो फिंगरप्रिंट देना होगा, नहीं तो मैं अपने फ़ोन को अनलॉक नहीं कर पाऊँगा। तो चलिए यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट अपना दे देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये फिंगरप्रिंट मैच हो चुका है और मेरे फ़ोन का लॉक अनलॉक हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने फ़ोन को मोबाइल कैमरे की मदद से फिंगरप्रिंट लॉक कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।